हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो लाइफ आफ्टर के अनबैन के ऊपर है। बहुत से हमारे दोस्त वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि लाइफ आफ्टर परमानेंटली बैंड हो गया है या नहीं, या फिर इसे वीपीएन के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, आज इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ आफ्टर और पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया था कल। तो जाहिर सी बात है, लाइफ आफ्टर कम्युनिटी को ये न्यूज़ का पता चल चुका होगा। इस चक्कर में मैं आज दिन भर लाइफ आफ्टर के रिएक्शन का वेट करता रहा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करके देखा। बट आपको मैं बता दूं कि लाइफ आफ्टर की ओर से कोई न्यूज़ नहीं मिली कि वो आगे क्या करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा नए वीडियो के साथ। अब बात करते हैं लाइफ आफ्टर को वीपीएन से खेल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ISP क्या है। अगर आप में से किसी को पता है तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वीडियो को ध्यान से देखें। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हैंडल करते हैं, वो ही अलाउ करते हैं कि हमें कौन सा ऐप्स या गेम को एक्सेस कर सकते हैं और कौन सा नहीं। अगर देश के हित में कोई एक्शन लिया जाता है कि इस ऐप्स या गेम को बैन किया जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस गेम के सर्वर को डाउन कर देते हैं, जिसके वजह से ऐप्स या गेम्स को इंटरनेट का सोर्स नहीं मिल पाता और एरर शो करता है। तो आप VPN लगाएं या APN, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। VPN आपका फ़ोन का लोकेशन शायद ही चेंज कर दे, बट सिम का लोकेशन वही रहता है। आप एग्जांपल के तौर पे TikTok को ले सकते हैं। इसको बैंड हुए बहुत दिन हो चुका है, बट इसको अभी भी VPN के जरिए भी कोई इसको चला नहीं पाएगा। तो गाइज, मुझे भी नहीं लगता कि VPN का यूज़ करके लाइफ आफ्टर को चला पाना संभव है। बाय द वे गाइस, इस बात का दुख तो मुझे भी है कि सारे गेम्स को बैन कर दिया गया है इंडिया में, बट क्या ही कर सकते हैं, ये इंडिया का रूल है तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा सिटीजन होने के नाते। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी राय बताइए कि आप अब कौन सी गेम में शिफ्ट होने वाले हैं, कौन सा गेम खेलने वाले हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो अभी कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड कर लिया है और डेड बाय डेलाइट डाउनलोड किया है। इसको अगर आप लोग खेलना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो इसको खेल करके मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय फिर से करने वाला हूं और गेम प्ले भी डालूंगा इसके रिलेटेड। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसको डाउनलोड करके दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मल्टीप्लेयर गेम है, कोई इशू नहीं है, साथ में इंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।